वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, मेरे साथ मंजू नेगी जी हैं। कहाँ से आए हैं आप? उत्तराखंड रानीखेत से। रानीखेत से आए हैं, तो इनको एक प्रॉब्लम है जो कि कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, और ज्यादातर जहाँ पे भी आपने जांच कराया होगा उन डॉक्टर्स ने क्या बोला पहले ये बताइए। कुछ तो निकला नहीं रिपोर्ट में, सारी निकल। मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं वीडियो इस बनाने का पर्पस ही यही है कि बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें होती हैं और जाते हैं तो उनको कोई इलाज नहीं मिलता है ना, तो क्या क्या बताया आपने, क्या किस किस को दिखाया? सबने रानीखेत में भी दिखाया था। सामने देखिए, रानीखेत में भी दिखाया था हॉस्पिटल में, तो सर वहाँ भी कुछ नहीं निकला। उसके बाद हल्द्वानी में दिखाया था, वहाँ भी सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। अभी दिल्ली में दिखाया था, वहाँ भी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई। और आपको क्या किस कैसा महसूस होता है? सर दर्द होता है सीने में, वो तेज दर्द इतना तेज होता है कि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और कभी अचानक से कम जाता है, कभी तेज जाता है। अच्छा, तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर का हिस्सा दो हिस्सों में बिल्कुल बराबर, अगर काटें तो काट सकते हैं, और जो बीच का जो शरीर का हिस्सा होता है वो कार्टिलेज जैसे जुड़ा होता है, तो कार्टिलेज जो एक्सपेंड भी करती है और सिकुड़ भी सकती है, और किसी भी तनाव किसी भी स्ट्रेच की वजह से वो खिंच जाती है। तो ये ज़िफ़ी स्टर्नम होता है यहाँ पे, इस पॉइंट में, इसी जगह पे दर्द होता है, बिल्कुल इसी जगह पे ना, है ना? क्या ये इतना दर्द होता है कि सांस लेने में, खांसने में? सर पहले खांसी हुई थी मुझे, उसके बाद पेन स्टार्ट हो गया था उसी की वजह से। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ खांसी की वजह से हो, बट ऐसा देखा जाता है किसी भी चीज से, या आपने कोई ऐसी एक्सरसाइज की हो, कुछ उठाया हो, किसी भी चीज में ये कार्टिलेज ज़िफ़ी स्टर्नम खिंच जाए तो इसमें दर्द आ जाता है। अब बात रहती है कि अब ये, क्योंकि ये स्ट्रेच होके वापस हील भी हो जाता है, हील होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो आप कोई भी जांच करा लीजिए, एक्सरे एमआरआई, उसमें कोई भी चोट नहीं आएगी, लेकिन पेशेंट तो दिक्कत के बारे में बोलता ही रहता है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये आपके पोस्चर को टाइट करता है, ये अब ये पीछे से गर्दन, अपर बैक, सारी चीजें टाइट होने लग जाती है, और क्योंकि ये ज्यादा छाती को फुला नहीं पाती है ना, आपको अब काम करने में भी थोड़ी दिक्कत होती होगी? सर ऐसा दिक्कत तो नहीं होती। दिक्कत नहीं होती, आप कोई ऊपर चढ़े नीचे चढ़े सांस फूले तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, चलो अच्छी बात है। बट ऐसा देखा गया, क्योंकि इसका यूज ही तब होता है जब हमारी छाती फूलती है, जब हम सांस लेते हैं, हाँफने लग जाते हैं, या कोई भारी भरकम काम करते हैं, तभी स्टर्नम में स्ट्रेच आता है ना। अब क्योंकि ये पहाड़ में रहती है, इनकी कार्डियक एक्टिविटीज और लंग्स बहुत अलग लेवल पे ट्यून्ड होते हैं, पर जब भी कोई जिम में एक्सरसाइज करता है या उस तरह की दिक्कत होती है, तो स्टर्नम के आसपास ये दर्द आना चालू हो जाता है। तो उस वक्त मरीज को क्या करना चाहिए? मरीज को मैं इनको बताना चाहूंगा कि आप घर में अगर वो होता है जिससे कपड़े मारते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, क्या बोलते हैं, अब क्या होता है, क्योंकि मैं सिंपल्सली ये दिखा देता हूँ, ये समझ लीजिए कि ये वो चीज है। अब हमें ये छाती को खोलने के लिए हमें हाथ को चलाना पड़ेगा, है ना? एक तो मैं अपने हाथ से जो एडजस्टमेंट करूंगा अभी वो है, बाकी हमें हाथ को चलाना पड़ेगा। आप इसको अगर पकड़ के, ठीक है, अगर ऐसे ऐसे करें, ठीक है, ऐसे चलाएं, ठीक है, इसको ऐसे करें, है ना, इसको ऐसे ऊपर ले जाएं, ठीक है, तो जितना आप इस चलाएंगे हाथ को, आपकी इस चीज को वो और ज्यादा ओपन अप करेगा। उसी तरह से साइड में ले जाना, साइड में ले जाना, है ना। ये बिल्कुल रोज 10-15-20 मिनट जरूर कीजिए। इसको पकड़ लिया तो ये पीछे इसको स्ट्रेच करना, ठीक है, ये सारी चीजें आपको एक्सरसाइजेस में करना है। बाकी अब ये मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई हैं, तो मैंने वही, अब क्योंकि हम सीधे सामने से तो खोल नहीं सकते कोई भी चीज, हम क्योंकि यहां तो सिर्फ हड्डियां ही होती हैं, मसल्स बहुत कम होती हैं, तो हम जो कुछ भी करते हैं ट्रीटमेंट, वो भी हम पीछे से ही करते हैं, क्योंकि हम उसको नहीं खोलेंगे। अगर उस पर हमने जोर लगाया तो और खिंच जाएगा, बट अगर बैक खुल जाएगा तो उसको छाती से प्रेशर हट जाएगा। तो हम बैक की एडजस्टमेंट दिखाएंगे और ये देखते हैं कि बैक टाइट है या नहीं है। आइए मंजू जी, उल्टा लेटेंगे पेट पे, और आपका वजन बहुत कम है मंजू जी, खाते वाते नहीं हो? खाते कहाँ खाते हो आप, क्या उम्र है आपकी? 29। इजी, छोड़िए छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, नाइस,
कर लीजिए, ये तो करवट लीजिए, आप मैं इनकी कमर खोल रहा हूँ जैसे। मोड़ लीजिए आप। और वजन कितना है आपका? 30। मैं वही 40 ही बोलने वाला था। इजी, छोड़िए। सीधा बीच में आ जाओ। आपको तो पसीने आ रहे हैं। आ जाइए। हाँ। आपको इसके बारे में पता था कुछ? मैंने किया नहीं, नहीं सर। नहीं तो यहाँ पे आपके हस्बैंड ने सर्च किया था? हाँ सर। अच्छा, तो आपने क्या देखा था, किस चीज? तो आपको ऐसा लगा था कि ज़िफ़ी स्टर्नम से रिलेटेड हम कोई चीज कर सकते हैं, या इनको पता था मरीज को? नहीं, नहीं। इनको नहीं पता था। ठीक है, तो ज़िफ़ी स्टर्नम के बारे में आप जान चुकी हैं, और आपको कोई भी अब पैसे मत खर्च कीजिएगा, कहीं कोई अपॉइंटमेंट लिए हो मत जाइएगा, जब तक इनको कोई और दिक्कत ना हो, किसी और चीज के लिए जा रहे हो इस चीज के लिए मत जाइए। मेरी पर्सनल आपसे एडवाइस है, क्योंकि कोई आपकी और कोई मदद या कुछ नहीं होती है ना। आपको एक्सरसाइज बताई है, आप एक्सरसाइज कीजिए, आगे कोई और चीज पूछनी है आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मंजू जी कैसा लगा एडजस्टमेंट के बाद? ठीक। नहीं, कैसा एक्सपीरियंस क्या है ये तो आपको भी पता, हमें भी पता है कि अगर दो चार बार करते तो ज्यादा अच्छे से और कर पाते है। ठीक है, व्यूअर्स को बोल तो दीजिए कि चैनल को लाइक शेयर कर दें। हमारे सर के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमें आकर बहुत अच्छा लगा, रिलीफ मिलेगा ऐसा लगता है। चलो, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें, थैंक यू।